टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। आज हम आपको एक ऐसे किसान से रूबरू कराएंगे जिसने खेती को एक अलग रूप दिया, एक अलग ऊंचाई पर पहुंचाया और देश में अपना नाम रोशन भी किया। इनके अनूठे ढंग से खेती करने के तरीके से प्रभावित होकर इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये किसान दावा करता है कि कोई भी किसान अपनी जमीन पर साल में करीब 10 से 12 फसलों की खेती कर लाखों रुपए कमा सकता है। आखिर ऐसी क्या खास बात है इनकी खेती में? हम आप पहुंचे हैं बुलंदशहर के सियाना में और ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएंगे जो अपनी खेती बाड़ी के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किए गए हैं। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो इनकी खेती के चर्चे बल्कि ज़िले में ही नहीं पूरे देश में मशहूर हैं। यहाँ देश विदेश से लोग भी इनसे मिलने आते हैं। दरअसल ये जो खेती बाड़ी करते हैं उसमें किसी भी तरह का केमिकल अपनी खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल नहीं करते हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है उनकी खेती बाड़ी में जो आम किसानों से उन्हें अलग बनाती है। पद्मश्री से नवाजे गए भारत भूषण त्यागी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। इनकी खासियत यह है कि ये जो खेती करते हैं वो जैविक खेती करते हैं और भी कई तकनीक इनके पास हैं ऐसी जो इनको और किसानों से अलग बनाती हैं, इनकी खेती बाड़ी को और किसानों से अलग बनाती हैं। आज हम जानेंगे इनकी खेती बाड़ी के बारे में कि आखिर इनकी खेती में ऐसी क्या खास बात है कि इन्हें यहाँ बड़े बड़े मंत्री मिलने आए हैं, इनसे इनकी खेती के बारे में चर्चाएं की हैं। आज हम भी जानने के लिए उत्सुक हैं और आपको भी बताएंगे कि आखिर क्या है इनकी ऐसी खेती बाड़ी है जो औरों से इनको अलग बनाती है। जी सबसे पहले तो टाइम 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं जी। और जो आपने एक बात कही कि इनकी खेती में और किसानों की खेती में क्या अंतर है, तो मैं उसी संदर्भ में आपको ये बात करना चाहूँगा कि 1976 में कृषि दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा के बाद में खेती से जुटे और ये खोजने के लिए कि खेती में शिक्षा का प्रयोग कैसे हो, और देखने से पता लगा कि 4-5 वर्ष में ये पता लगा कि खेती की ज़्यादा लागत बाज़ार पर चली गई और खेती का सारा जो उत्पादन है वो बाज़ार में ही बिकता है और कीमत भी बाज़ार ही लगाता है। ऐसी स्थिति में ये पता लगा कि किसान कितना ही भी मेहनत करेगा लेकिन बाज़ारवादी प्रक्रिया में किसान को मुनाफा कम होगा। तब क्या किया जाए, बदलाव के बारे में सोचा। तो बदलाव के बारे में सोचने से पता लगा कि देश दुनिया में कुछ लोग रासायनिक खादों के से भी बचाव की बात कर रहे हैं और किसानों की आमदनी की भी बात कर रहे हैं। धीरे धीरे इसी तरीके से दौर बदलते हुए सन 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक आह्वान हुआ कि किसानों की आय भी दोगुना होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खेती बाड़ी के लिए PhD की मान्यता व पद्मश्री से सम्मानित किसान भारत भूषण त्यागी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर सियाना क्षेत्र के बेहटा निवासी है और इस महान शख्सियत द्वारा जैविक खेती के बारे में फसलों के लिए चारा या इमारती लकड़ी कुछ भी हो सकती है, जैसी उपयोगिता वैसा हम उन फसलों को लगाते हैं। इससे हमारी आमदनी भी लगभग लगभग आम किसान की आमदनी से 3-4 गुना से ज़्यादा ही है। यदि वो किसान 50-60 हज़ार रुपया प्रति एकड़ निकालते हैं तो हम लोग 2-3 लाख रुपये 4 लाख रुपये तक एकड़ में निकालते हैं। इसमें किसानों के लिए रोजगार का अवसर भी ज़्यादा है, आमदनी भी ज़्यादा है, उत्पादन भी ज़्यादा है और बड़ी बात इसमें यह है कि ये वातावरण के लिए, पानी के संरक्षण के लिए और किसानों की आमदनी के लिए जो खेती के संकट हैं, अभी आप देख रहे हैं जैसे पराली जली या धुआं उठाए, तो इस खेती में न पराली जलाने की ज़रूरत है न धुआं उठने की ज़रूरत है। इसमें से ज़मीन पर कूड़ा गिरता रहता है, ज़मीन अपना खाद बनाती रहती है और किसानों के लिए एक बहुत बढ़िया वातावरण बना रहता है काम करने का। और जब एक ही खेत से 10-12 चीज़ें पैदा होती हैं तो उनको किस तरीके से हम बाज़ार में प्रोसेस करके ले जाएं, ये भी एक आगे का विषय है जिससे हमारी आमदनी में और भी गुणात्मक वृद्धि होती है। मान लिया खेत में से हमने 3 लाख निकाला, अब इस 3 लाख को भी हम 10 लाख रुपये कैसे बनाएं, ये भी किसान को खूबसूरती समझने की ज़रूरत है। उसको हम बोलते हैं जैविक खेती में प्रोसेसिंग कार्य को खेत पर ही करना। इस किसान का दावा है कि उनके बताए गए तरीके और जैविक खेती करने से किसान न केवल साल में कई फसल लेगा बल्कि उसकी आमदनी भी अधिक होगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और एक वर्ष में कई फसल उत्पादन करने का लाभ उसे मिलेगा व खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। भारत भूषण त्यागी के द्वारा दिए जा रहे इस खेती करने की प्रक्रिया को बताने से किसानों को अत्यधिक लाभ मिल रहा है। जब टाइम 24 की टीम ने खेती के बारे में और जानकारी ली तो भारत भूषण त्यागी जी ने एक और फसल के बारे में बताया
जो कि आम फसलों के मुकाबले बिल्कुल अलग है। दरअसल ये फसल चावल की है और ये चावल है काला। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये तस्वीरों में जो आप काले चावल की फसल देख रहे हैं, ये एक तरह का प्रयोग इस अनूठे किसान की तरफ से किया गया है। और इस काले चावल की क्या खासियत है, ये जानने की कोशिश की टाइम 24 की टीम ने। एक ही जमीन पर अलग अलग फसल उगाना, कोई तो इनसे सीखे। आपको हम ये बताने वाले हैं कि ये केवल एक ही तरह की खेती नहीं करते हैं एक ही जमीन पर, इसके अलावा भी और कई तरह की खेती है। जैसे अभी इन्होंने दिखाया था, काले चावल की खेती है, गन्ने की खेती है, केले के पेड़ लगे हुए हैं। अब एक जगह और हमें लेकर आए हैं साहब, इनसे जानेंगे कि आखिर ये कौन सी खेती है जो इन्हीं की फसल में हो रही है, और भी इनसे बातें करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले मैं जानूंगा कि ये जो पेड़ है ये किसके क्या है? जो आपने एक अलग अलग तरीके की फसलों के बारे में जिक्र किया, उसी का एक नमूना ये भी है कि जहाँ पर बाग की खेती है या किसानों के पास में आम अमरूद के बगीचे हैं या बगीचे लगाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर एक फसल हल्दी की भी ले सकते हैं। ये हल्दी की फसल को थोड़ा सा छाया की जरूरत है, हल्की छाया की जरूरत है, खुले में भी होती है और हल्के छाया में भी होती है। क्या यही कारण है धूप की वजह से ये खराब हो गए? हाँ, नहीं, अब तो इसकी आयु हो गई। अच्छा। हाँ, अब ये इसके जो नवंबर तक इसका पत्ता मर जाएगा और फिर इसके बाद में हम यहाँ पर अलसी जैसी फसल डाल देंगे और अलसी यहाँ पर हो जाएगी। तो ये मिली जुली फसलों का एक तरीका है। जहाँ आप देख रहे हैं कि बड़े 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 वृक्ष हैं, उनके बीच में भी जगह जगह कहीं पर धूप आती है, कहीं हल्की छाएं, तो हल्दी, सतावर, सर्पगंधा और पचौली, इस तरीके की चीज़ हैं बहुत सारी कि जिनको आज आयुष विभाग या औषधि, जो औषधियों की खेती को बढ़ावा दिया गया, तो किसानों को थोड़ा इसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम केवल गेहूं, गन्ना और धान के पीछे ना पड़े रहें, बल्कि अपनी खेती में खुद भी ऐसा तरीका बदलें जिससे हमारी आमदनी बढ़े। बाग बगीचों के इर्द गिर्द खाली पड़ी जमीन को कैसे उपयोगी बना सकते हैं जिसका किसान उपयोग ही नहीं करता है, ऐसी जगह आप देख सकते हैं जिससे आपकी कामये में गुणात्मक वृद्धि हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो जैविक खेती करने का मतलब है कि बीज से लेकर उत्पादन तक के सभी कार्य किसान खेत पर ही कर सकता है। जैविक खेती में बाजार की लागत दूसरी खेती के मुकाबले ना के बराबर है। खेत के बाउंड्री पर सतावर, हल्दी, सर्पगंधा, पचौली आदि की फसल लगा सकते हैं, जिससे आपकी फसल कीड़े मकोड़े, गंदगी या जहर से सुरक्षित रह सके। इससे किसान अपनी फसल की सुरक्षा भी कर पाता है और इन फसलों से अच्छा खासा मुनाफा भी कमा लेता है। साल 1976 से पद्मश्री भारत भूषण त्यागी खेती बाड़ी के लिए अपना जीवन समर्पित करते आए हैं। आपको बता दें कि इस लंबे समय में भारत भूषण त्यागी को कई उपलब्धियां भी हासिल हुई। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत भी किया है। इसके अलावा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस में पीएचडी की डिग्री भी इन्हें दी गई। ऑर्गेनिक वर्ल्ड कांग्रेस में भी इन्हें बेस्ट ऑर्गेनिक फार्मर का अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा बेस्ट इंडिया ऑर्गेनिक फार्मर के नाम से भी इन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही धरती पुत्र पद्मश्री डॉक्टर भारत भूषण त्यागी जी से जब हमने उनकी खेती बाड़ी के बारे में जाना, तो उन्होंने बताया कि एक ही खेत में वो लगभग 8 से 10 तरह की फसल को उगाते हैं। इसके अलावा जो फसल इनके यहाँ उगाई जाती है उसमें किसी भी तरह का ये केमिकल इस्तेमाल नहीं करते, आम किसानों से इसीलिए अलग बनाती है। इनका कहना है कि जो किसान एक फसल में 1 या 1.5 लाख रुपये मुनाफे के कमाता है, उसमें लगभग 2.5 से 3 लाख रुपये वो मुनाफे के निकाल लेते हैं। यानी तकनीक का इस्तेमाल करके, प्रकृति को नया रूप देकर यहाँ पर खेतीबाड़ी की जाती है। यही वो वजह है जो इन्हें भारत सरकार ने खुश होकर इन्हें एक पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है, जो इन्हें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। कैमरा पर्सन दानिश गफ्फार के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज़, बुलंदशहर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।